जल्द ही दुनिया वाइन के एक नए जायके से रूबरू होगी जिसका नाम है टी वाइन। इस वाइन में हिमाचल की मशहूर कांगड़ा टी इस्तेमाल की गई है। यही वजह है कि इसे एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट करार दिया जा रहा है। जल्द ही दुनिया वाइन के एक नए जायके से रूबरू होगी जिसका नाम है टी वाइन। इस वाइन में हिमाचल की मशहूर कांगड़ा टी इस्तेमाल की गई है। यही वजह है कि इसे एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट करार दिया जा रहा है। ये एक खास टेस्ट और फ्लेवर वाली इस टी वाइन को CSIR के हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान IHBT पालमपुर के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है और टी वाइन हमारे देश की अपनी वाइन होगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका अपना एक मुकाम होगा। इस वाइन में एल्कोहल की प्रतिशत को कम किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। आमतौर पर वाइन में 12% एल्कोहल होते हैं। टी वाइन का टेस्ट परंपरागत वाइन से हटकर है। टी वाइन हृदयाघात रोकने में भी मददगार होती है। शुगर से पीड़ित लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिन लोगों को भूलने की बीमारी होती है उनके लिए बड़ी कारगर है। भारत में अभी वाइन के शौकीनों की तादाद ज्यादा नहीं है, लेकिन हाल के दौर में इसमें इजाफा देखा जा रहा है। इसकी वजह ये है कि वाइन को सेफ ड्रिंक माना जाता है। केस स्टडीज वाइन को स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन ड्रिंक करार दे चुकी है। माना जा रहा है कि टी वाइन की देश में काफी डिमांड रहेगी। अभी दुनिया में वाइन के कारोबार में फ्रांस का दबदबा है। टी वाइन से भारत भी वाइन के ग्लोबल कारोबार में दस्तक दे सकता है। अभी भारत में बनने वाली वाइन को अच्छी क्वालिटी का नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ बेहतरीन क्वालिटी के अंगूर नहीं मिल पाते। टी वाइन में क्वालिटी की इस कमी को दूर करने की संभावना है। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि हमारे चाय उगाने वाले किसानों को पर्याप्त मुनाफा नहीं मिल पाता है, जिसके संस्थान ने चाय के कई उत्पाद तैयार किए गए हैं, जिनमें से बहुत से उत्पाद टी वाइन है। टी वाइन के अंदर चाय के सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं। टी वाइन हमारे देश की अपनी वाइन होगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका अपना एक मुकाम होगा। टी वाइन में एल्कोहल की मात्रा नियंत्रित कर सकते हैं और टी वाइन में बेहतर एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण सेहत के लिए अच्छा प्रभाव पड़ेगा। टी वाइन में बेहतर एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण इसे सही मात्रा में ले तो इससे हृदयाघात रोकने में मदद कर सकते हैं। टी वाइन को बनाने में लगभग 5 साल लगे हैं और टी वाइन बनाने के लिए इसकी तकनीक एक कंपनी ने दी है और जल्द ही ये बाजार में उपलब्ध होगी। हमारे जो चाय उगाने वाले जो किसान हैं, इस समय जो उनकी परेशानी ये है कि उनको अपनी चाय उगाने के लिए पर्याप्त मुनाफा नहीं मिल पाता, तो इसीलिए जो भी आदमी चाय की खेती करता है, हम चाहते थे कि उस चाय के ऊपर कुछ वैल्यू एडिशन हो, तो उसके लिए हमने कई सारे प्रोडक्ट डेवलप किए और उनमें एक हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट डेवलप किया, वो है टी वाइन। टी वाइन क्या है कि इसके अंदर चाय की एंटीऑक्सीडेंट सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और आप मार्केट में देखते हैं कि रेड वाइन बिकती है और रेड वाइन लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि उसके हेल्थ बेनिफिट हैं। जब चाय के हेल्थ बेनिफिट टी वाइन में आएंगे तो हम अपने टी वाइन को रेड वाइन के अगेंस्ट हम पोजीशन करेंगे। और इसका सबसे बड़ा बात यह है कि ये हमारे देश की अपनी वाइन होगी और इंटरनेशनल वाइन में इसकी एक जगह होगी, अपना इसका एक अपना मुकाम होगा। दूसरा, टी वाइन के अंदर हम एल्कोहल की मात्रा अपने हिसाब से हम नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर सिर्फ 7% एल्कोहल हो, हम उसमें 7% एल्कोहल रख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उसके अंदर 10% एल्कोहल हो, हम 10% रख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम एल्कोहल की मात्रा भी नियंत्रित कर सकते हैं और सेहत के लिए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने की वजह से इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर अजय राणा ने कहा कि टी वाइन में प्राकृतिक एंटी ऑक्सीडेंट होने के साथ साथ कई तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका स्वाद रेड वाइन और व्हाइट वाइन से हटकर है। टी वाइन से चाय उद्योग के उत्थान के साथ रोजगार के लिए प्रमुख भूमिका निभा सकती है। अतः चाय की इन्हीं बहु विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ही टी वाइन को बनाया गया है। टी वाइन में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ कई तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका स्वाद रेड और वाइट वाइन से हटकर है। इसमें 10-12% तक अल्कोहल रहता है। चाय उद्योग के उत्थान के साथ साथ नए उद्योगों और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में प्रमुख भूमिका निभा सकती है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदर्श भार्गव ने कहा कि टी वाइन यह दस्त बढ़ाने के साथ साथ हृदयाघात रोकने में भी अहम भूमिका निभाती है।
कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक के दौरान प्रमुख भूमिका निभाती है। ऐसे में दवा के तौर पर ली गई टी वाइन हृदय में कोलेस्ट्रॉल जमने नहीं देती और उसे मूवमेंट करती रहती है। टी वाइन में एंटीऑक्सीडेंट अधिक रहता है और ये निसंदेह कई रोगों से बचाता है, लिहाजा 30 से 60 ml वाइन पीने की सलाह दी जाती है। टी वाइन देखा जाए तो वाइन हमेशा हेल्थ के लिए अच्छी रही है और एक मॉडरेट क्वांटिटी में लिया गया अल्कोहल हमेशा बेनिफिट देता रहा है अगर उसे एज ए मेडिसिनल पर्पज से लिया जाए। टी वाइन एक तो सबसे बड़ी नेचुरल है, इसमें हर्बल कंटेंट भी इन्वॉल्व है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट से युक्त है और दूसरी बात है कि मॉडरेट अल्कोहल हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल को मूव करने में काफ़ी सहायता देता है और हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायता देता है। काफ़ी इसमें शोध भी हो चुके हैं और हमें काफ़ी विजिबल रिजल्ट भी मिले हैं, मगर एक ही चीज़ हमें ध्यान रखें कि मॉडरेट अल्कोहल जिससे हम लगभग लेते हैं कि एक से दो ड्रिंक्स एक मेल के लिए और एक ड्रिंक फीमेल के लिए इज सफिशेंट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।